पब्लिक टीवी आपकी आवाज। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा, पीड़ित पक्ष की नहीं सुनी है। जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट को फिर से विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने बयान दिया है। सपा सांसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि मंत्री हो या मंत्री का बेटा, कानून सबके लिए है। देखिए, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, मंत्री हो या मंत्री का बेटा क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है। एक आम आदमी को ऐसे हीनियस क्राइम में जमानत मिलने में बरसों लगते हैं, इनको कैसे मिल गई थी? क्या सरकार ने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा था? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे मोहर लगा दी है कि ये देश कानून से चलेगा, न कि सरकारें ताकत से चलाएंगे। क्या मानते हैं कि जमानत रद्द की गई है? विपक्ष के बीच विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, पहले पत्रकारों को धमकी दी गई थी, इसमें देखा गया। पत्रकारों के साथ विचारों की तो क्या क्या हो रहा है, मुझे क्या बताने की जरूरत है? मैं तो आप लोगों से यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि बड़े बड़े अंडरवियर सिलवा लिए, पता नहीं किस थाने में खड़े हों आप कपड़े उतरवा के। देखिए, देश का माहौल ख़राब करने की साजिश हो रही है। हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है, अनेकताओं में एकता हमारी विशेषता है। हम प्यार मोहब्बत से हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ 1000 साल से रहते चले आए हैं, लेकिन तो किसे मानते हैं? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है, क्या कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन ये काम होना नहीं चाहिए, देश को कमजोर करने की साजिश है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।